हेलो दोस्त, रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 का फोर्थ पेयर एग्जामिनेशन कब तक आएगा? क्या जिनका एग्ज़ाम छूट गया उनको ऑफिशियल अपडेट के रूप में कुछ न कुछ मिलेगा क्या? हालांकि अभी ये सब एक्सपेक्टेड है, लेकिन फोर्थ पेयर के एग्ज़ाम का आने का डेट हो गया था। अगर कहें तो 12 फरवरी तक आपका पहले का अपडेट का एग्ज़ाम था, यानी थर्ड पेज का 31 से 12 फरवरी तक एग्ज़ाम था, 31 जनवरी से 12 फरवरी, यानी उससे 10 दिन पहले अगर देखें तो आज 2 फरवरी है, पूरे 10 दिन हो गया है। लेकिन 10 दिन पहले तक नहीं आया, इसका मतलब है कि अगला एग्जामिनेशन 13 फरवरी से नहीं होके कुछ दिन का गैप होगा। हो सकता है एक दिन का हो, दो दिन का हो, या जितनी भी हो, आरआरबी कुछ डिले कर रहा है। तो इस डिले से कुछ हम अपना अर्थ निकाल सकते हैं? हमें तो लग रहा है निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? आरआरबी कुछ अपडेट कर रहा है कि उनका भी कंप्लेन करने का या क्वायरी दर्ज करने का मौका दिया जाए जिनका एग्ज़ाम छूट गया है। और इस कंप्लेन की पूर्णता थोड़ी सी एक डिटेल के रूप में वेबसाइट पर मिल गया। कैसे? क्योंकि हर बार पहले फेज फोर की अनाउंसमेंट होती थी, उसके बाद सिटी इंटीमेशन का लॉग इन आता था, उसके बाद आपकी कंप्लेन या क्वायरी वाला उसी वेबसाइट पे अपडेट रहता था। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड रांची, जिसमें आप नीचे की तरफ देखेंगे, थोड़ा सा नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए न्यू अपडेट 1/2/2021 के रात में हुआ है, यानी नाइट में कह सकते हैं, शाम के बाद हुआ है, शाम तक इस पर कोई अपडेट नहीं था, जिसमें क्लिक हियर फॉर कैंडिडेट हेल्प डेस्क लॉगिन फ्रॉम लिंक सेंट्रलाइज्ड नोटिस 1/19 एनटीपीसी एग्ज़ाम का। देखिए इसके नीचे देखेंगे तो लास्ट डेट 20 का है, और बाकी 20 आरआरबी देखेंगे तो कहीं पे आपको इसके बारे में डिटेल नहीं दिखेगा। एनटीपीसी के लेटेस्ट में यानी फरवरी में कोई अपडेट नहीं हुआ है, यानी पहले फेज फोर की घोषणा नहीं हो के पहले घोषणा क्या हो रहा है कि कैंडिडेट यहां से अपनी क्वायरी रेज कर सकते हैं। जैसे ही आप ये खोलेंगे तो ये आपका वही क्वायरी वाला खुल जाएगा, जिस पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका बर्थ डेट ऑफ बर्थ के रूप में पासवर्ड, उसके बाद लॉगिन क्या है, और लॉगिन करेंगे उसके बाद आपको क्वायरी वाले प्रोसेस के लिए आगे ले जाएगा। अब इससे ये क्लियर होता है कि इसमें जिनका एग्ज़ाम थर्ड पीरियड तक छूट गया है उनको भी हो सकता है एक मौका इसमें अपनी क्वायरी रजिस्ट्रेशन करने के दे, और इस रजिस्ट्रेशन करने का नोटिस फोर्थ फेज के एग्ज़ाम शेड्यूल के साथ आ जाए। हाँ, इसमें से किसको एग्ज़ाम देना है, नहीं देना है, किसको एलिजिबल करना है, ये आरआरबी समझेगा, वो क्वायरी के आधार पर देखेगा कि उनकी प्रूफ क्या है, प्रोसेस ये हो सकता है, या ये अभी फोर्थ पेज की अनाउंसमेंट हो जाएगा उसके बाद इस लिंक को फोर्थ पेज के बाद के या लास्ट के दिनों तक रख कर वहाँ पे अपडेट करने का ये मौका दे सकता है। तो मेरा मानना दो ही चीज़ है कि फोर्थ पेज अभी जल्दी आ जाएगा, आज से कल तक ये प्रोसेस में आ जाएगा आपके सामने वेबसाइट पे। एग्ज़ाम डिले 1 से 2 दिन हो सकती है, 12-13 फरवरी से नहीं स्टार्ट हो रही है ऐसा दिख रहा है, बाकी आरआरबी के ऊपर डिपेंड करता है। और तीसरा अपडेट की जो लोग का एग्ज़ाम छूट गया है उनकी कुछ ना कुछ अपडेट आएगी, ज़रूर आएगी। हाँ, उनको एलिजिबल कितना कराएगा कितना नहीं कराएगा ये आरआरबी पे टाइम लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद।